सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, सबसे पहले तो यार देख लो, आपको पता चल गया कौन सी गाड़ी है। तो ये है किया की सोनेट और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ये HT-E वेरिएंट है। अब HT-E वेरिएंट में हमें क्या क्या खासियत मिलती है और क्या क्या हमें इसके नुकसान मिलते हैं उसकी तो बात नहीं करेंगे, पहले मैं आज केवल जनरल ओवरव्यू देता हूँ आपको, वो भी किया सोनेट का। तो चलते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ और फ्रंट लुक से इसे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसमें फ्रंट लुक में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रंट लुक की अगर आप बात करें तो हेडलाइट कंसोल की, तो इसमें नॉर्मली आपको हेडलाइट मिलेंगी, हैलोजन बल्ब मिलेंगे इसके अंदर आपको, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी इंडिकेटर की प्लेसमेंट। बोल्ड लुक काफ़ी इसका ग्रिल प्रोवाइड करती है हमें, और ग्रिल जो है ना मतलब बाहर को थोड़े से स्पोक से निकले हुए हैं, तो काफ़ी बोल्ड लुक हमें ये प्रोवाइड करती है फ्रंट से। और अगर नीचे की तरफ बात करोगे यहाँ पे, इसमें आपको थोड़ी सी फिनिशिंग मिल जाएगी जो कि सर थोड़ा सा लग्जरी टाइप फील देगी अगर आप दूर से देखोगे ना, या फिर इसके अपर एंड वेरियंट्स में जाओगे तो ये आपको और भी ज़्यादा निखर के मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ ही इसमें यहाँ पे आपको जो मिल जाते हैं फॉग लैंप के लिए मिल जाएंगी, वो भी हाउसिंग मिलेगी। फॉग लैंप इस वेरिएंट में आपको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, बेस वेरिएंट है। और साथ ही यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ पे भी आपको प्लेट मिल जाएगी एक, और साथ ही इंजन गार्ड मिल जाएगा, मतलब नीचे की तरफ एक प्लेट निकली हुई है जो कि इंजन के अंदर पानी वगैरह जाने से इंजन को नीचे से प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक भी प्रोवाइड किया जाता है इसमें, और यहाँ पे एक और छोटी सी ग्रिल दे दी गई है आपको बड़ी ग्रिल के बाद नीचे, जो कि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा खासा बनेगा और इंजन ज़्यादा हीट होने की दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मोस्टली हीट होने की दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। और बीच में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। अब फिलहाल आप बात करोगे ये किया का लोगो पुराना वाला है, तो भाई इस गाड़ी को भी टाइम हो गया है और ये वाला जो लोगो है अब चेंज हो चुका है, अब केवल किया ही लिखा हुआ आता है और वो भी क्रोम के साथ लिखा हुआ आता है, इतना बड़ा लोगो उसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये तो था हमारा फ्रंट से लुक इसका। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, यानी कि ड्राइवर साइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो इंडिकेटर मिलते हैं हमें, इंडिकेटर मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि फेंडर पे, फेंडर में इसमें आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है इसमें आप टायर साइज़ की बात करोगे तो इसमें हमें 15 इंच का टायर मिलता है जो कि स्टील व्हील है, कंपनी वाला ही व्हील है, कोई भी अदर इसमें आपको मतलब अलॉय व्हील वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है। ब्लैक कलर की आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी साइड में जो कि यार थोड़ा सा बेस मॉडल है तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो है ना आपको पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम में आता है, मिट्टी वगैरह लग जाती है ना तो ये पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम में आता है। साथ ही आप ड्यूल टोन ORVM कह सकते हैं कि ऊपर से तो वाइट कलर है और नीचे से है ब्लैक कलर। और अगर डोर हैंडल्स की बात करोगे तो डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको बॉडी कलर प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही डोर हैंडल के अंदर ही आपको यहाँ पे स्विच मिल जाएगा चाबी वाला, अगर आप देखोगे ना तो ऐसे डायरेक्ट खुलेगा ये। तो अब गेट बंद करके देख लेते हो, बिल्ड क्वालिटी भी आपको पता ही चली गई होगी और किया की बिल्ड क्वालिटी सेल्टोस के बाद तो सभी को पता है, ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करते। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश में, मतलब शेप से मिल जाएगी जो कि इसे काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर जाती है। ऐसा कुछ जिसमें आपको ब्लैक लुक मिलेगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा ये लाइट नहीं है, ये पूरी लाइट नहीं है, यहीं तक की लाइट है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको ब्लैक लुक प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगी किया की बैजिंग। और अगर बूट की बात करोगे तो ऐसा कुछ इसमें बूट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस सेगमेंट में आई थिंक सबसे बड़ा आई है, और डीप भी काफ़ी अच्छा खासा है ये, इस सेगमेंट में काफ़ी बड़ा बूट इसमें आपको मिल जाता है। और बूट की बात करोगे तो इसमें आपको बूट लैंप प्रोवाइड नहीं किया जाता अपर वेरियंट्स में, इसमें आपको मिलेगा बूट लैंप, और पार्शल ट्रे वगैरह इसमें कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। और अगर बैक लाइट की बात करोगे तो बैक लाइट इसमें आपको यहाँ पर मिलेगी, बैक इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगी, और साथ ही सोनेट की बैजिंग इसमें मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर की बात करोगे, रिफ्लेक्टर इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको नीचे बम्फर में, और दो पार्किंग सेंसर इसमें मिलते हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे इसे आपको। और स्पोर्टी टाइप आपको बम्फर का लुक प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर जो कि आप नीचे से देख सकते हो, ड्यूल टोन की फील भी आपको इसमें प्रॉपर मिलेगी। सो इसके एंटीना की बात कर लेते हैं, और एंटीना इसमें आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा, शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे टेल लैंप मिलेंगे। रूफ रेल इस वेरिएंट में आपको नहीं प्रोवाइड की गई है, पेट्रोल वेरिएंट है और ये इसका फ्यूल लेड है। तो अब इसके गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से इसकी बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें फीचर्स मिलते हैं, हालांकि ये बेस मॉडल है तो काफ़ी कम फीचर्स मिलेंगे, लेकिन स्टिल आप चेक करवा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रंट डोर से बात कर लेते हैं इसकी, तो डोर तो मेरे को काफ़ी हैवी लग रहा है यार, देखो डोर तो काफ़ी हैवी सा है इसका, लेकिन इसके ये डोर लॉक और अनलॉक के लिए मतलब आपको डोर लॉक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको लाइनिंग्स मिल जाएंगी जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम लुक इसमें प्रोवाइड कर रही हैं। साथ ही यहाँ पे 2 पावर विंडो मिलेंगी, पावर विंडो 4 नहीं मिलेंगी इसके अंदर, आपको 2 ही पावर विंडो मिलेंगी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे मिरर, ये काफ़ी अच्छी बात है,
ठीक है, अपर वेरियंट्स में जाओगे तो शायद यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिल जाएंगे, 1 लीटर का बोटल होल्डर इसमें आपको मिल जाएगा, अम्ब्रेला होल्डर भी इसके अंदर आपको मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करोगे इसके गेट की तो यार काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको मतलब गेट मिल जाता है, और मेरे को तो काफ़ी भारी भी लग रहा है। तो अगर हम इसके सीट्स की बात कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट में बात करोगे तो बैक एडजस्ट मिलती है आपको, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती। सबसे पहले मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और इसे स्टार्ट कर लेता हूँ यार, क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये कर लिया हमने स्टार्ट। सो अब इसकी बात करेंगे हम अंदर से। तो सबसे पहले गेट बंद कर लेते हैं। एसी इसमें चला हुआ है और यार स्टेयरिंग बहुत लाइट है इसका, ये देख ही रहे हो आप, बहुत लाइट है, जबकि गाड़ी जो है ना स्टार्ट है हमारी, और ये देखो कितना लाइट स्टेयरिंग है, मतलब मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और ये देखो, तो काफ़ी लाइट स्टेयरिंग हमें इसमें मिलता है। अब देखो बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग का। तो सर स्टेयरिंग में जो सबसे पहले कंट्रोल मिलेंगे ये मिलेंगे MID के, यहाँ पे जो MID आपको प्रोवाइड की गई है उस MID के कंट्रोल्स पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी लेदर टाइप स्टेयरिंग नहीं मिलेगा, बस आपको ड्यूल टोन की लुक मिलेगी, और ये जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें ड्यूल हॉर्न मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेडलाइट लेवलर। साथ ही अगर मीटर की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा RPM मीटर, ये देखो, और राइट हैंड साइड में आपको टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं MID की, जो कि फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है 13.7 किलोमीटर पर लीटर का। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, लाइट्स, डोर कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो मतलब एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और टेम्परेचर वगैरह ये आपको बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इसमें टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। साथ ही अगर यहाँ पे बात करोगे तो आप यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया है भाई। अब बेस वेरिएंट में छोटा सा म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाना चाहिए था। अगर फैन स्पीड की बात करोगे तो इसमें फैन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एसी काफ़ी इफेक्टिव है, आपको वॉइस से भी पता चल जाएगा, लेकिन इसे मैं कर देता हूँ फिलहाल 1 पे। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हैजार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे, आप एडजस्ट कर सकते हो एसी का फ्लो, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के सर्कल में आपको ये मिल जाएगा। साथ ही आपको टेम्परेचर के लिए मिल जाएगा, एसी का बटन यहाँ पे मिल जाएगा, एसी और फैन के लिए। पूरी गाड़ी में आपको ड्यूल टोन का लुक जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी गाड़ी ने दे रखी है, यहाँ पे थोड़ी सी ये ग्राफिक दे रखे हैं, थोड़े से मतलब आप टच करोगे ना तो काफ़ी उभरे हुए से हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ़ोन रखने की जगह, जो कि काफ़ी डिमांडिंग है, फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं मिलती किसी भी गाड़ी में, इसमें आपको फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ़ोन रखने के लिए जगह एक और पावर सॉकेट मिल जाएगा चार्जिंग वाला, USB का 12V का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाएगा, फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाएगी, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलेगा, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे इसके अंदर आपको, और साथ ही यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, आर्मरेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है ये। IRVM की बात करोगे नॉर्मल IRVM आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा इसमें, यहाँ मिलेगा आपको सनवाइजर, जो कि नॉर्मल है, टिकट होल्डर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे भी कोई भी टिकट होल्डर या फिर मिरर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको नॉर्मली मिलेंगे, फोल्डेबल नहीं है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएंगी, जो कि येलो कलर की इसमें आपको लाइट प्रोवाइड की गई है। अब इसके बैक लुक की तरफ चलते हैं, और बैक में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर गेट खोलोगे ना, बकायदा एक एक गेट की इन्फॉर्मेशन भी आएगी, ये देखो दोबारा खोल देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो अब इसके चलते हैं बैक गेट पर। अब बैक गेट की बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें आपको बैक गेट मिलता है, इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलती, नॉर्मल आपको ये लट्टू से मिलता है एडजस्ट करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है, साथ ही आप देख सकते हो स्पेस। अब सीट जो है ये पूरी पीछे है, अब सीट पूरी पीछे करने के बाद थाई सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा खासा मिला हुआ है, यहाँ पे आप देख लोगे तो नी सपोर्ट भी ठीक ठाक ही नी सपोर्ट है, आप ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते इसमें। अब मेन चीज़ क्या है, मतलब यार देखो मैं खुल के बैठा हुआ हूँ फिलहाल के लिए, तो अगर देखा जाए तो 4 ही जने बैठ सकते हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी है सीट की, कुशनिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में गर्मी इतनी हो रही है यार कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल भी हवा नहीं आती पीछे AC की, अगर आगे पीछे AC वेंट्स नहीं है तो। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी खासी इसमें से फ्लो मिलेगा आपको। USB का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, जो कि फास्ट चार्ज वाला है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा फ़ोन वगैरह रखने के लिए। हम्प जो है वो मतलब नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा बड़ा आप हम्प नहीं कह सकते इसमें,
और अगर हेडरूम की बात करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा हेडरूम इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ठीक है, तो ये था हमारा रिव्यू किया सोनेट का, जो कि पेट्रोल में थी और STE वेरिएंट था। इस वीडियो को इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।